आते हैं हम लोग फर्स्ट थ्योरम पर। तो फर्स्ट थ्योरम में हम लोगों को बोला है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मतलब कभी भी जब एक सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड्स होती हैं तो वो सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं, ऐसा हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए गिवन केस में हम लोगों के पास में क्या है, हम लोगों को दिया है कि एक सर्कल है जिसका कि सेंटर ओ है और इस सर्कल में दो कॉर्ड्स हैं, पहली है ए बी जबकि दूसरी है सी डी, और ये दोनों ही कॉर्ड्स आपस में इक्वल है। तब हम लोगों को प्रूव करना है कि जो दो इक्वल कॉर्ड्स हैं वो सेंटर पे इक्वल एंगल्स बनाती हैं। अब पहले हम लोग समझे कि कोई भी कॉर्ड सेंटर पे एंगल बनाती है इसका मतलब क्या है। जब हम लोग कहते हैं कि कॉर्ड सेंटर पे एंगल बनाती है तो इसका मतलब होता है कि इस कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को सेंटर के साथ ज्वाइन कर दिया जाए, और ऐसा कर देने पर जब यहाँ पर जो एंगल बनेगा सेंटर पे, इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाई कॉर्ड ए बी एट सेंटर। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है वो कौन बनाता है, कॉर्ड ए बी बनाती है। जब हम लोग कॉर्ड सी डी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इसके एंड पॉइंट्स को सेंटर के साथ हम लोग ज्वाइन कराएं तो फिर यहाँ पे अगेन एक एंगल फॉर्म हो जाता है। देखिए ये वाला जो अभी हम लोगों ने शेड किया है, तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाई कॉर्ड सी डी एट सेंटर। और अब हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, कि दोनों ही एंगल्स आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और प्रूव करते हैं। अब ऐसा प्रूव करने के लिए देखिए हम लोग इन दो ट्राइंगल्स को कंसीडर कर रहे हैं। कौन कौन से दो ट्राइंगल्स मेंशन करते हैं, सो भाई पहला ट्राइंगल हम लोगों ने लिया इन ट्राइंगल ए ओ बी, और दूसरा ट्राइंगल क्या है, दूसरा ट्राइंगल हम लोगों ने लिया ट्राइंगल सी ओ डी। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं, और जब दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना होता है तो कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है, थ्री पॉइंट्स की जरूरत होती है, और ऐसे थ्री पॉइंट्स जो किसी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन को सेटिस्फाई कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए ढूंढते हैं वो थ्री पॉइंट्स। तो भाई हम लोग जब इस ट्राइंगल को देखें तो इस ट्राइंगल की जो ए ओ साइड है यानी कि ये वाली, वो इस ट्राइंगल की किस साइड के इक्वल है, इस सी ओ साइड के इक्वल है, और उसका रीजन क्या है कि ये दोनों ही क्या है, इस सर्कल की रेडियस है। ठीक है, और एक सर्कल में जितनी मर्जी रेडियस ड्रॉ करते हैं सारी की सारी आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट मेंशन करते हैं। तो ए ओ बी ट्राइंगल में जो ए ओ साइड है वो ट्राइंगल सी ओ डी की किस साइड के इक्वल है, सी ओ साइड के इक्वल है, और इसका रीजन क्या है कि दोनों ही एक ही सर्कल की रेडियाई है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग देखें तो भाई इस ट्राइंगल की जो ओ बी साइड है वो इस ट्राइंगल की ओ डी साइड के इक्वल होगी। ठीक है, ये भी चीज मेंशन करते हैं। तो बी ओ साइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू डी ओ साइड ऑफ दिस ट्राइंगल, और इसका भी रीजन क्या है कि ये दोनों भी क्या है, एक ही सर्कल की रेडियस है। तीसरा पॉइंट हम लोग देखें तो इस ट्राइंगल में जो ए बी साइड है वो इस ट्राइंगल की सी डी साइड के इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि बोला है कि कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी आपस में कैसी हैं, इक्वल है, तो ये गिवन इन्फॉर्मेशन है। तो तीसरा पॉइंट हम लोगों ने लिखा कि ए बी इज इक्वल टू वॉट सी डी, और इसका रीजन है कि क्वेश्चन में हम लोगों को दे रखा है, थ्योरम में हम लोगों को बोला है कि कॉर्ड्स कैसी हैं, इक्वल है। अब इन तीन पॉइंट्स के बेसिस पर हम लोग क्या कह सकते हैं, देयर फोर हम लोग कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट होगा किस ट्राइंगल के साथ में, ट्राइंगल सी ओ डी के साथ में, और किस क्राइटेरियन से होगा, उसके लिए एक ही ट्राइंगल देखो। और इस ट्राइंगल को जब हम लोग लें तो इसकी इस साइड को कंसीडर किया है, इस साइड को लिया गया है और इस साइड को लिया गया है, मतलब तीनों साइड्स ली गई हैं। इसका मतलब कौन सा क्राइटेरियन, ट्रिपल एस क्राइटेरियन से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। और अब जब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं कि भाई इस ट्राइंगल का जो एंगल ओ होगा वो इस ट्राइंगल के एंगल ओ के इक्वल होगा। ठीक है, अब ओ का पूरा नाम क्या होगा, इसका पूरा नाम लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी, और इस एंगल का पूरा नाम क्या होगा, इसका पूरा नाम होगा एंगल सी ओ डी, और ये किस रीजन से, सी पी सी टी। सी पी सी टी का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, और देखिए यही चीज हम लोगों को प्रूव करनी थी।